अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह नदीम फ्रॉम सी डी बी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए रियल स्टेट से रिलेटेड न्यू अपडेट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं। आज मैं बहरिया के सबसे सस्ते घरों के सामने मौजूद हूँ, जिनका नाम है सफारी होम्स। अगर हम इनके डेवलपर्स की बात करें तो ये क्यूलिंग सिंह के डेवलपर हैं, और क्यूलिंग्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट हिस्ट्री है। ये ऑलमोस्ट अब तक इनके 25 to 26 इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 से 5 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मेनली जिसके अंदर आपका बहरिया टाउन लाहौर का सबसे बड़ा मॉल आता है, और वाहिद मॉल जो बहरिया टाउन लाहौर में लोकेटेड है करंटली, वो जैस्मिन मॉल है। ये एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। अगर हम इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर आपको जैस्मिन होम्स देखने को मिलते हैं, जो आपके बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G5 ब्लॉक में बना के दिए गए थे। सफारी होम इस टाइम बहरिया के किसी भी प्रोजेक्ट के सबसे सस्ते 5 मरला डबल स्टोरी घर हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक के अंदर लोकेटेड हैं। ये 2020 में क्यूलिंग्स की जानिब से डील लॉन्च की गई थी, और ये 3 साल के पेमेंट प्लान पर घर ऑफर किए गए थे। इस टाइम इनका पेमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ, हमारे काफ़ी व्यूअर्स का इसके अंदर क्वेश्चन होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट 2020 में लॉन्च किया गया था तो आज इसका पेमेंट प्लान पूरा हो चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया है, कि बिकॉज इसका ग्रे स्ट्रक्चर घर का रेडी हो चुके हैं। तो उसकी जो मेजर रीज़न थी वो आपकी कोविड-19 था। 2020 में आपका कोविड-19 चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डिले देखने को मिले, और सेकेंडली लॉकडाउन की भी कुछ सिचुएशन रही, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद रही थी काफ़ी अर्सा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट आपका 1 साल डिले है, और कोविड भी ऑलमोस्ट आपका 1 साल तक पाकिस्तान में रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट 1 साल डिले पर है। और इस टाइम जो ये घर है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 60 लाख के लॉन्च किए गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2020 में। इस टाइम आपको ये यूनिट 75 to 76 लाख के मार्केट में मिल जाते हैं। जो इनके ओनर्स हैं वो इस टाइम 10 to 20 लाख ऑन डिमांड कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, लेकिन एक आपको अच्छी लोकेशन का यूनिट और एक मुनासिब, अगर प्राइस की हम बात करें, एक मुनासिब प्राइस पे आपको 60 लाख के ये यूनिट्स लॉन्च किए गए थे, और करंटली ये आपको 70 to 80 लाख के कॉस्ट कर जाते हैं, बिकॉज जो इनके ओनर्स हैं वो इस टाइम 10 to 20 लाख ऑन डिमांड कर रहे हैं, प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, लेकिन आपको 75 to 76 लाख के अंदर एक अच्छी लोकेशन का यूनिट मिल जाता है, और जिसका काम भी इस टाइम स्टार्ट हो चुका हो। और सेकेंडली ये इसमें डेवलपर की तरफ से ऐलान किया गया है, बिकॉज आपने जिस तरह मैंने आपको कोविड का जिक्र किया आपके साथ, और सेकेंडली पास्ट 3 ईयर्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी रही है मार्केट में, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बहुत राइज़ की है। अगर हम पिछले 20 से 25 साल की हिस्ट्री को उठा के देखें रियल इस्टेट की, तो इन 3 सालों के अंदर जितना कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस में राइज आया है, इतना कभी नहीं देखा गया, जिसकी वजह से एक 20 लाख की एस्केलेशन कॉस्ट भी एक्सपेक्ट की जा रही है, कि जिस टाइम ये प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होगा तो डेवलपर इसके अंदर आपको 20 लाख तक एस्केलेशन कॉस्ट चार्ज करेगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको घर 95 to 96 लाख के पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, इवन के लाहौर के किसी भी बहरिया के प्रोजेक्ट में जाते हैं, इवन के बहरिया नशेमन या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं जो कि लाहौर में लोकेटेड हो बहरिया का, आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कहीं पर भी घर नहीं मिलते, बिकॉज जिस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत राइज कर चुकी है, और मिनिमम जो प्लॉट की प्राइस है बहरिया के किसी भी प्रोजेक्ट में 5 मरले की, वो ऑलमोस्ट आपको 40 to 50 लाख में मिलता है। और ये मैं आपको वो प्लॉट्स बता रहा हूँ जिनकी लोकेशन बाउंड्री के पास आपको देखने को मिलेगी, या ग्रेवयार्ड के पास आपको देखने को मिलेगी, जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स नहीं है, वो 5 मरला प्लॉट्स आपको 40 to 50 लाख कॉस्ट करते हैं। और सेकंडली अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हैं 5 मरला घर की, तो इस टाइम 90 to 1 करोड़ आपको 5 मरला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईजिली आ जाती है, अगर आप एक अच्छे ग्रेड की और एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर की। और अगर हम इन तमाम प्राइसेस को ऐड करें तो ऑलमोस्ट आपको 5 मरले का घर 1.5 करोड़ में देखने को मिलता है। और अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ही G5 ब्लॉक के अंदर देखें या G6 ब्लॉक के अंदर देखें, तो आपको 50 के प्लस माइनस में 5 मरले के प्लॉट देखने को मिलते हैं। और अगर आप खुद भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको घर 1.5 करोड़ के करीब पड़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 1 करोड़ से कम बजट के अंदर 5 मरला घर ढूंढ रहे हैं और एक अच्छी विसिनिटी में अपना घर लेना चाहते हैं। तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मैं आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम इन्वेस्टर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि इस प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए आपको कहीं पर भी 5 मरले का घर नहीं मिलने वाला। तो इससे के पहले ये अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाए, आपको जल्दी फैसला करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। अगर आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसको विजिट करना चाहते हैं, इस टाइम स्क्रीन पर मेरा नंबर अपीयर हो रहा होगा,
आप इस नंबर पर किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में गाइड भी करेंगे और विजिट भी करवाएंगे। ऐसे ही CDB के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रियल एस्टेट के तमाम मामलों से ऐसे ही अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।